नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे 12 और नए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरुआत होने जा रही है। तो कौन कौन सी ट्रेन है, कहां से कहां तक चलेगी, कौन कौन से दिन में जाएगी, कब से कब तक चलेगी, कहां कहां रुकेगी और इसकी बुकिंग कौन सी ट्रेनों की कब से बुकिंग शुरुआत होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबाइए ताकि इस तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और 12 ट्रेनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पहली है गाड़ी संख्या 090-55 वलसाड़ जोधपुर वीकली स्पेशल ट्रेन है। ये साप्ताहिक 23/2/2021 से ट्यूजडे को चलनी शुरू हो जाएगी। डिपार्चर का टाइम है 19 बजे ये ट्रेन चलेगी और अराइवल टाइम है 8:55 में अगले दिन पहुंच जाएगी। ठीक है, वही है गाड़ी संख्या 090-56 जोधपुर से वलसाड़ के लिए वीकली स्पेशल ट्रेन है। ये 24 फरवरी से चलनी शुरू हो जाएगी। वेडनेसडे को ये ट्रेन चलेगी और इसका हॉल्ट जो है नौसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, नादिया, अहमदाबाद, साबरमती, महसाना जंक्शन, पालनपुर जंक्शन, अब्बू रोड, पिंडवारा, फालना, मरवार जंक्शन, पाली, इस तरह से काफ़ी इसका स्टॉपेज है, बाकी स्टॉपेज को अपडेट कर लीजिएगा। वही है नेक्स्ट है गाड़ी संख्या 092-43 वलसाड़ कानपुर सुपरफास्ट वीकली स्पेशल ट्रेन है। ये 24 फरवरी से ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी वेडनेसडे को। और नेक्स्ट है गाड़ी संख्या 092-44 कानपुर वलसाड़ सुपरफास्ट वीकली स्पेशल ट्रेन है और ये 26 फरवरी से चलनी शुरू हो जाएगी फ्राइडे को। बिस्ताना, नंदुरा, पालडी, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, झांसी और आई स्टेशन पर इसकी ठहराव होगी। नेक्स्ट है गाड़ी संख्या 094-83 अहमदाबाद ब्राउनी स्पेशल। ये एक मार्च से ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। ये ट्रेन प्रतिदिन ट्रेन चलेगी। अगली है गाड़ी संख्या 094-84 ब्राउनी अहमदाबाद स्पेशल। ये 3 मार्च 2021 से चलनी शुरू हो जाएगी और ट्रेन प्रतिदिन ट्रेन चलेगी। इसकी हॉल्ट जो है आनंद, बड़ोदरा, सूरत, नंदुरबार, इस तरह से इसका ठहराव है। बाकी स्टॉपेज को आप एक बार रीड कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी स्टॉपेज है। आरा, दानापुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर को होती हुई ट्रेन जाएगी। अगली है गाड़ी संख्या 094-89 अहमदाबाद गोरखपुर 6 डे इन ए वीक यानी सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ये 2 मार्च 2021 से चलनी शुरू हो जाएगी ये ट्रेन ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को ये ट्रेन चलेगी। नेक्स्ट है गाड़ी संख्या 094-90 गोरखपुर अहमदाबाद 6 डे इन ए वीक यानी कि सप्ताह में 6 दिन ट्रेन चलेगी। 3/3/2021 से ट्रेन चलने शुरू होगी मंडे वेडनेसडे ट्यूजडे फ्राइडे सैटरडे संडे को। इसकी हॉल्ट है आनंद, छायापुरी, दादो, रतलाम, नागदा, उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, इस तरह से इसे स्टॉपेज है इसका और भी स्टॉपेज है, बाकी आप रीड कर लीजिएगा। गाड़ी संख्या 092-39 हापा बिलासपुर सुपरफास्ट वीकली स्पेशल। ये 27 फरवरी से चलनी शुरू हो जाएगी सैटरडे को। नेक्स्ट है गाड़ी संख्या 092-40 बिलासपुर हापा सुपरफास्ट वीकली स्पेशल। ये 1 मार्च 2021 से मंडे को चलनी शुरू होगी। इसका स्टॉपेज है राजकोट, वंकानेर जंक्शन, सुरेंद्र नगर, विरामगाम, अहमदाबाद, नादिया जंक्शन, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, इस तरह से इसका स्टॉपेज है। नेक्स्ट है गाड़ी संख्या 095-75 ओखा नाथ द्वारा 24 फरवरी से चलने शुरू हो जाएगी वेडनेसडे को। नेक्स्ट है गाड़ी संख्या 095-76 नाथ द्वार ओखा 25 फरवरी 2021 थर्सडे से ट्रेन चलनी शुरू होगी। चलिए बात करते हैं इसका ठहराव को। द्वारका, खंभालिया, जामनगर, हापा, राजकोट,
वाकानेर जंक्शन, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, नादिया जंक्शन, आनंद, छायापुरी, रतलाम, इसका इस तरह से ठहराव है। बाकी अब बात करते हैं बुकिंग को लेकर के, कौन कौन से ट्रेनों की बुकिंग हो रही है। गाड़ी संख्या 090-55 के 20 फरवरी को बुकिंग होगी। गाड़ी संख्या 092-43, गाड़ी संख्या 092-39 और गाड़ी संख्या 095-75 की बुकिंग 21 फरवरी से शुरू होगी। गाड़ी संख्या 094-83, गाड़ी संख्या 094-89 की बुकिंग 23 फरवरी से शुरू होगी। सुबह 8 बजे सभी ट्रेनों की बुकिंग शुरुआत होगी और इसकी बुकिंग आप IRCTC से ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं या PRS काउंटर से भी इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इस सभी ट्रेनों का लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा ताकि हम आपको जवाब दे सकेंगे। इसी तरीके से सभी ट्रेनों को और भी नए ट्रेनों को जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी को निशान को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। मिलेंगे नई जानकारी।